बाइक में अच्छा काम कराने के लिए, बट जो दूसरा SKD है वहाँ पे उसका काम अच्छा नहीं हुआ। तो भैया ने डाली वीडियो, मैंने देख ली, मुझे पता लग गया कि SKD और भी है, यानी मुझे कहाँ नहीं जाना मुझे ये पता लग गया, और कहाँ जाना ये भी पता लग गया। तो मैंने सिंपली इनके वीडियो जो नंबर था वो नंबर लिया और यहाँ आया, और गलती मैंने भी कर दी, गलती नहीं मतलब मेरे को पहली जो शॉप मिली वो वही मिली थी जो उनको मिली थी जो राजस्थान के लोग आए थे। तो मैंने जब बात करी तो वो लोग कह रहे कि हाँ हम ही हैं, और जो जो वहाँ का जो ऑनर है वो आया, कह रहे वीडियो में हम ही आते हैं और ओरिजिनल ये वाली और बाकी सारी नकली है। जबकि मैंने भैया को देखा हुआ था, तो बाय फेस जानता हूँ भैया को, तो मैंने भैया के नंबर पे कांटेक्ट किया और सीधा आके पहले भैया को ढूंढा, और यहाँ पे मेरा काम जो है ना बिल्कुल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यूज़, मैं हूं आपका अपना राज भाई, और आज आपके सामने है एक बार फिर से न्यू हिमालयन 450। और न्यू ये ब्रांड न्यू ही है क्योंकि डायरेक्ट शोरूम से भैया हमारे पास लेकर आया है, तो ये ट्रस्ट है कस्टमर्स का। तो आप देख सकते हैं, एंड में रिव्यू जरूर लूँगा भैया का कि भैया का कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। तो सबसे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर जो हमने इंस्टॉल किए हैं, इसके अंदर देख सकते हैं ये इसके हेडलाइट ग्रिल। पहले मैंने हेडलाइट ग्रिल छोड़ो, मैं पूरा कॉम्बो बताता हूँ। इसके अंदर लगाया कॉम्बो किट। कॉम्बो किट में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं जो कि आपकी कम पैसे के अंदर कम बजट में लग जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडलाइट ग्रिल, ये हो गया कॉम्बो का पार्ट। सेकेंडली मिलता है आपको GPS माउंट, जो कि आप देख सकते हैं ये भी आपका इसके अंदर मिल जाता है। और उसके बाद आपको मिलती है रेडिएटर गार्ड, इधर मिलता है नीचे सम गार्ड, और इसके बाद मिलती है आपको मास्टर सिलेंडर कैप एक, मास्टर सिलेंडर कैप दो, और मास्टर सिलेंडर कैप तीन, और फोर्थ और एक और आइटम है इसके अंदर जो लगी हुई है ना प्लेट नीचे, ये जो प्लेट है बेस प्लेट ये लगी हुई है इसकी, जो कि ये भी कॉम्बो किट के साथ में आती है। तो पहले मैंने बताया आपको कॉम्बो किट का कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस के अंदर है क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसलिए बहुत ही सस्ते रेट के अंदर हमने प्रोवाइड कराई है आपको पूरी कॉम्बो किट। और अब बताता हूँ इसके फीचर्स। ये जो हेडलाइट ग्रिल लगाई गई है ना, इसको लगाने से क्या होता है, जैसे ऑफ रोडिंग की गाड़ी है और ऑफ रोडिंग ना हो तो उसमें मज़ा आने वाला है नहीं। तो ऑफ रोडिंग में जब भी आप जाते हैं तो आगे वाले जो बाइक जा रही है कोई काफिला जाता है, एक दो बंदे जाते नहीं, तो उससे क्या होता है पत्थर वगैरह जो भी आता ना तो हेडलाइट पर सीधा फोकस पड़ता है पत्थर वगैरह का, और वो डैमेज हो जाती है। और लाइट बहुत महंगी होती है, तो आपका जो ग्रिल लगा दिया है इससे आपकी पूरी होती है हेडलाइट सेफ, फुल्ली तरीके से सेफ हो जाती है हेडलाइट आपकी। इसे हेडलाइट ग्रिल लगाने के बाद हेडलाइट आपकी, साथ में आपको GPS माउंट जो है ये भी इसके अंदर इंस्टॉल जो किया गया। इसके आपका बेनिफिट ये है कि इसे लगाने के बाद ना आप मोबाइल वगैरह इजीली आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हो, मोबाइल होल्डर लगाने के बाद, और वो भी आप ऊपर की तरफ। हैंडल पे तो बहुत लोग लगवाते हैं, बट GPS माउंट लगाने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल होल्डर या कुछ भी आपने लगाना है GoPro माउंट या कुछ भी, आपका इजीली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है आपके GPS माउंट से। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर जो नीचे है ये आपका रेडिएटर गार्ड। ये रेडिएटर गार्ड है हिमालयन का ओरिजिनल, जो कि जर्मन फिटमेंट के साथ आप देख सकते हो, मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है, मेटल का है। इससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से, क्योंकि जब भी ऑफ रोडिंग या ऑन रोडिंग कुछ भी हो तो पत्थर वगैरह इसके अंदर लगने के बाद आपका रेडिएटर होगा डैमेज, और रेडिएटर डैमेज होने का मतलब ये हो गया कि मोटा खर्चा और गाड़ी वहीं पर हो जाएगी आपकी स्टॉप, वहीं पर स्टॉप, क्योंकि रेडिएटर से कूलेंट निकला ओवरहीट होकर गाड़ी आपकी हो जाएगी स्टॉप। तो उस केस में ये लगने के बाद ये आपकी हो गई फुल सेफ्टी वाला फीचर्स। नीचे आपको मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ आपको मिलता है सम गार्ड, जिससे आपका पूरे के पूरा नीचे का पोर्शन होता है सेफ, जो कि ऑयल कूलेंट वगैरह सब कुछ इससे होता है सेफ इससे, और बहुत ही सेफ्टी फीचर भी पूरा मेटल का होता है। आप देख सकते हैं हर चीज़ मेटल की यूज़ कर दी गई है इसके अंदर, जिससे आपको सेफ्टी पूरी पूरी मिल जाती है। और फ्रंट में दिखाऊंगा इसके अंदर लगा दिया फॉक्स लैडर, ये भी देख सकते हैं फॉक्स लैडर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के फॉक्स लैडर जो कि इसके अंदर लगाया है, और कलर इसका लिया गया टाइटेनियम सिल्वर, जो कि इधर भी और इधर भी। और ये भी बता दूँ कि ईजिली इंस्टॉल नहीं हो सकते कहीं पर भी, सिर्फ हमारे पास ही इंस्टॉल हो सकता है ईजिली, क्योंकि हमारा जो काम है प्रोफेशनल वाला है, हम ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं करते कि तू ला के चुका दिया, वो काम हम नहीं करते। और इधर दिखाते हैं आपको हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ, आप देखने मिलेगी आपको मास्टर सिलेंडर कैप एक, जिससे आपका पूरा तरह सेफ हो जाए, साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। सेकंड ये हो गया आपका, इससे भी आपका पूरे पीछे का ये मास्टर सिलेंडर जो किट है ये होती है सेफ। इधर आपको प्लास्टिक का पार्ट है ये भी होता है पूरी तरीके से सेफ। तो ये इसकी कॉम्बो किट हो गई जो इसमें लगाया था। साथ में आपको बैक साइड में देखने मिलेगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये इसका सैडल स्टे, और ये सैडल स्टे नॉर्मल सैडल स्टे नहीं है, ये आपका है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के, जो कि हमारे खुद के बनते हैं, सर मैं बार बता रहा हूँ। इधर आप देखेंगे ये आपका बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के उसके अंदर लगा दिए गए हैं, और ये हमारे खुद के बनते हैं, बाहर से हम बाय नहीं करते हैं। और ये फुटरेस्ट आप देख रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फुटरेस्ट लगवाना है, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप लगवाना चाहते हो नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि ये होता है पूरा रिमूवल। ये देख सकते हैं इसमें दो स्क्रूज होते हैं, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा,
अगर आपने पैनल्स वगैरह कुछ भी लगाना है तो सिंपली आपने इसे निकाल कर रख देना है, ये आपका नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा। आपका दोनों चीज़ों का वर्क होगा, फुटरेस्ट का भी और आपका साइड पैनियर का भी अगर लगवाते हैं तो इधर भी मिल गया, साथ में आपको मिलता है इस तरफ भी, ये देख सकते हैं ये भी आपका मिल जाता है इधर सेम वही जैसे उन्होंने बताया रिमूवल, ये भी रिमूव आपको हो जाएगा इजीली। तो ये भी सैडल स्टे हो गया आपका प्रीमियम क्वालिटी का, साथ में मिलता है आपको टॉप बॉक्स जो कि हमने लगाया बहुत ही न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन वाला, इसके अंदर लगा दिया गया मोटो जीनियस का आपको मिलता है टॉप बॉक्स। और ये टॉप बॉक्स है, ये टॉप बॉक्स देखिए खोलेंगे इसको, स्पेस दिखाऊँ पहले, सामान वैसे इसमें बहुत सारे भर चुके हैं पहले से, ये देखिए ये जितने भी इसका बाइक के पार्ट्स निकले ना ये सारे इसके अंदर भर दिए, जैसे कि समगार्ड दिखाया था ना उसका, देखो इसके अंदर कंपनी देती है ये वाला समगार्ड प्लास्टिक वाला जो कहीं भी जब मर्जी टूट कर गिर सकता है, तो इसलिए हर चीज़ इसकी लगानी जरूरी है। ये देखो जैसे रेडिएटर गार्ड लगाना उसकी जगह इन्होंने ये दिया है गार्ड, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, नहीं थर्ड क्वालिटी का जो इसमें लगाया गया, ये अब चेंज कर दिया हमने, इसमें सारा प्रीमियम क्वालिटी का लगा दिया गया इसके अंदर, अभी अंदर जाएगा नहीं जाएगा ये पता नहीं। तो स्पेस देख लो, स्पेस काफ़ी सारा है इसके अंदर जो कि आपको देखने को मिलेगा, स्पेस बहुत सारा स्पेस है, कुछ भी सामान इसके अंदर रख सकते हो, एक हेलमेट आपका आराम से आता है और साथ में कुछ और सामान रखना चाहो तो वो भी आपका आराम से इसके अंदर आ जाता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका फिट और ये है आपका पूरा डिटैचेबल इसलिए क्योंकि जब भी आप इसे खोलना चाहो ये आपने सिंपली ये लॉक अनलॉक हुआ और अनलॉक होने के बाद ये आपका खुल गया और ये सीधा हो गया रिमूव, ये देखो ये हो गया आपका रिमूव, ये देख सकते हैं। और ये रिमूव होने के बाद ऐसे ये रिमूव इसलिए कराया जाता है क्योंकि जब आपको यूज़ नहीं करना ना इसका तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसे निकाल कर घर पर आप आराम से इसे रख सकते हो और साथ में इसमें लगा देंगे बैक रेस्ट। ये बैक रेस्ट प्लेन राइडर के लिए ज़रूरी नहीं कि लोग टॉप बॉक्स से ऊपर ही इसे लगवाते हैं, जिन्होंने टॉप बॉक्स नहीं लगवा रखा है वो भी नहीं लगवा रखा है वो भी, तो ये इजीली इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है। अब देख सकते हैं बैक रेस्ट जिससे प्लेन राइडर काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है लगने के बाद, आप चाहे टॉप बॉक्स लगवाओ या ना लगवाओ इसे लगवाने के बाद फुल्ली सेफ हो जाते हैं और इसको लगाएंगे बाद में। अब मैं इसका सबसे मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने दिखाया नहीं, ये है क्रैश गार्ड, देख सकते हैं आप, ये इसमें क्रैश गार्ड जो है आपने अब तक मेरी वीडियो इसके अंदर देखा होगा ब्लैक, बट ये हो गया येलो क्योंकि गाड़ी का जो कलर के स्टिकर है ना ये है आपके येलो और इसको करा देगा पूरा येलो गाड़ी के मैचिंग के अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अल्टीमेट फिनिशिंग है इसके पेंट की, और मैंने बताया कि क्रैश गार्ड टॉप रैक सैडल स्टे रेडिएटर गार्ड सम गार्ड ये सारे हमारे खुद के बनते हैं, तो क्वालिटी आप देख सकते हो क्या कितनी हैवी क्वालिटी है और गिरने के बाद ना ये लगा लो पूरी गाड़ी पूरी की पूरी बाइक आपकी होती है सेफ, फुल्ली सेफ। साथ में स्लाइडर मिलते हैं आपको जो करते हैं फुल्ली तरीके से प्रोटेक्ट, क्योंकि गाड़ी गिरने के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है टैंक ख़राब हो जाता है, आपका वाइजर टूट जाता है, आपके लेग्स में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम को आपकी करता है बिल्कुल ही रिजॉल्व। अब इसे लगाने के बाद फुल्ली सेफ हो चुके हैं आप और आपकी बाइक दोनों तरीके से, सेम आपको इधर मिलेगा, सेम आपको मिलता है आपको इस तरफ भी देख सकते हैं, वही सेम आपको डिज़ाइन वही सेम क्वालिटी आपको इधर भी देखने मिलेगी इसकी, और येलो कलर है और ज़रूरी नहीं कि येलो है तो येलो ही लगाना है, इसमें ब्लैक लगा सको, रेड लगवा सको, सिल्वर लगवा सको, ग्रीन लगवा सको, कोई भी कलर अगर आपको चाहिए तो मन चाह कलर हम करवा सकते हैं इसके अंदर जो आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मिल पाता हूँ मैं भैया से जो भाई हम पे ट्रस्ट करके आए थे और अब उनसे पूछता हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जब वो आए थे तो क्या था और अब क्या है। तो हेलो भैया। हेलो भैया। तो सर कैसे हैं आप और आपका नाम क्या और कहाँ से हैं? मैं बढ़िया, मैं हूँ विनय और मैं रोहिणी से आया था आपकी यूट्यूब वीडियो देख के। मैं 3 महीने से लगातार कोई ऐसा मतलब मैं ढूंढ रहा था पर्सन जिससे काम मेरा ट्रस्टेबल हो जाए, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इवन बताता हूँ एक किस्सा आज का ही, SKD नाम से और भी यहाँ पर शॉप है करोल बाग के अंदर। अभी भैया ने 2 दिन पहले डाली थी वीडियो, कोई राजस्थान का पर्सन होगा, स्पेशल राजस्थान से यहाँ पर आया था बंदा इतनी दूर से अपने सेविंग लगा के बाइक में अच्छा काम कराने के लिए, बट जो दूसरा SKD है वहाँ पर उसका काम अच्छा नहीं हुआ। तो भैया ने डाली वीडियो, मैंने देख ली, मुझे पता लग गया कि SKD और भी है, यानी मुझे कहाँ नहीं जाना मुझे ये पता लग गया और कहाँ जाना ये भी पता लग गया। तो मैंने सिंपली इनके वीडियो जो नंबर था वो नंबर लिया और यहाँ आया, और गलती मैंने भी कर दी, गलती नहीं मतलब मेरे को पहली जो शॉप मिली वो वही मिली थी जो उनको मिली थी जो राजस्थान के लोग आए थे। तो मैंने जब बात करी तो वो लोग कह रहे कि हाँ हम ही हैं, और जो वहाँ का जो ऑनर है वो आया कह रहे वीडियो में हम ही आते हैं और ओरिजिनल ये वाली और बाकी सारी नकली है, जबकि मैंने भैया को देखा हुआ था तो बाय फेस जानता हूँ भैया को। तो मैंने भैया के नंबर पे कांटेक्ट किया और सीधा आके पहले भैया को ढूंढा और यहाँ पे मेरा काम जो है ना बिल्कुल A1 हुआ है, परफेक्ट हुआ है और एक जेन्युइन रेट पे हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लाइंड होके भी यहाँ पर आ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो भैया ने बहुत सारी बातें बता दी है आप लोग को विवेयर करने के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जब आप लोग आते हो ना तो एक्चुअली क्या गूगल के अंदर जो लोकेशन है ना वो पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा
दिमाग लगा रखा है किसी ने, समझदार ने, कि उस गूगल पे सिर्फ और सिर्फ उसी का लोकेशन आ रहा है, हमारा नीचे आता, नीचे जाके कोई देखता नहीं है, तो इस वजह से बंदा वहाँ जाके फंस जाता है। तो आप लोग ना फंसो। देखो भैया ने अपना खुद का सजेशन दिया है कि भैया के साथ क्या क्या था, और सिंपल सी बात है कि अरे भाई वो बेवकूफ़ थोड़ी ना जो बंदा आ रहा है, आप आ रहा है, आप उसे ज़बरदस्ती क्यों कह रहे हो असली असली असली, अरे उनको पता असली कौन है नकली कौन है, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं यार। जिस बंदे ने काम देखा हुआ है, रेट देखा हुआ, चीज़ देखी हुई है, और फिर सामने वाले पर्सन के साथ जो धोखा हुआ, फ्रॉड, उन्होंने वो भी देखा हुआ है, वो क्यों जाएंगे आपके पास, समझो ना इस बात को। तो आप लोगों को यही काम करना है, तो रोड पे खड़े हो जाओ आप यार, रोड पे खड़े हो, किसी को आने मत दो आगे, सबको कहो भाई यही है यही है यही है, क्यों जी? सही बात है। जब यही काम करना है तुम्हें, रेड लाइट वाला, रेड लाइट एरिया वाला, तो आप रेड लाइट पर बैठे हो, आप तो रेड लाइट एरिया पर आप वे करो, आओ जी आओ जी आओ जी, इससे कोई भला नहीं होने वाला, आपका ध्यान रखना, क्योंकि कस्टमर जो समझदार है, जिसको अपनी बाइक से प्यार है, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। जिसको प्यार नहीं है, जिसको नहीं पता आपके बारे में, यार वो सिंपल पहली बार आपसे धोखा खा जाएगा, अगली बार 10 गालियां देके जाएगा, और साथ में किसी को रिकमेंड भी नहीं करेगा आपके पास जाए। तो इसलिए ऐसा काम मत करो कि आप गालियां खाने वाले काम करो। अगर कोई आपके पास आता है, आपकी वीडियो देखो, आओ बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशूज़, लेकिन किसी को मिसगाइड मत करो कि भैया यही है यही है यही है, जैसे कि भैया ने बताया। तो सिंपल सी बात यह है, भैया को काम अच्छा मिला, रेट अच्छा मिला, चीज़ अच्छी मिली, और बंदा जेन्युइन मिल गया, और सबसे मेन बात जेन्युइन शॉप मिल गई। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 2.5 साल से करोलबाग के अंदर हूँ, 25 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस में भैया कमी तो नहीं लगी आपको? ना ना ना, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब काम से पता लग जाता है कि हाँ भैया एक्सपीरियंस है। तो सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस हमेशा बोलता है ब्रो, जब भी आप जाएँ एक्सपीरियंस वाले बंदे पर जाएँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास जाएँ, कहीं पर भी काम करें एक्सपीरियंस वाला बंदा चूज़ कर ले पहले, कि उसे कुछ नॉलेज है नहीं है, या जस्ट यूट्यूब पे दिखाया ये लो जी कर दिया और हो गया, चिपकाने वाला काम से कोई फ़ायदा नहीं है, चिपकाने से आपकी बाइक चिपक जाएगी कहीं और, तो उसे बचाओ आप, और बेवेयर रहो, सावधान रहो, यही मैं कहना चाहूँगा। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जो कि आपके भाई का चैनल राजू भाई SKD के नाम से, ये मिलता है आपको राजू भाई SKD, और SKD का मेरी जो शॉप का नेम है, ये मेरा पर्सनल नेम है, मैंने किसी से चुराया नहीं है, किसी से छीना नहीं है, SKD में शालू कुलदीप डुग्गू, ये मेरे फैमिली नेम है, जो कि मैंने रखा हुआ पिछले 2.5 साल से, इसी नाम से मेरी शॉप है। और अब आपको करना क्या समझ जाओ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय। Short little.